हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे Xiaomi Mi 11 यूथ एडिशन, या आप कह सकते हो Mi 11 लाइट 5G। जी हाँ, ये बहुत ही बढ़िया फ़ोन लगा मुझे। स्लीक फ़ोन है, 159 ग्राम्स, और मेरे हिसाब से पहला Xiaomi का फ़ोन है जो इतना स्लीक है। मुस्लिम के फ़ोन काफ़ी हैवी होते हैं, 200 ग्राम्स के पास, ये 200 ग्राम से भी ऊपर होते हैं। तो इसमें आपको फीलिंग आएगी जैसे ओप्पो या वीवो के स्लाइट फ़ोन यूज़ कर रहे हो। और खासियत है, इस फ़ोन में स्नैपड्रैगन 780G यूज़ किया गया है। तो ये पहला फ़ोन बन गया था जिसने ये यूज़ किया था। देखिए कितना बढ़िया प्रोसेसर है। इस वीडियो में अनबॉक्सिंग के साथ फर्स्ट इंप्रेशन करूंगा। Xiaomi ने इस टाइम 4 फ़ोन लॉन्च किए थे, Mi 11 अल्ट्रा, Mi 11 प्रो, Mi Mix, और ये 4th फ़ोन था। हमारे पास 4 आ चुके हैं और मैंने ऑलमोस्ट 2 की अनबॉक्सिंग दे दी है, तीसरे की है और Mi Mix की अभी जल्दी आ जाएगी, आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बढ़िया लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं Mi 11 यूथ एडिशन उर्फ Mi 11 लाइट 5G की अनबॉक्सिंग के साथ। तो ये रहा हमारा फोन Mi 11 यूथ एडिशन और Mi 11 लाइट 5G स्नैपड्रैगन 780 वाला प्रोसेसर के साथ आता है। इसका चार्जर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा 33 वॉट का, जो फ्री में है, प्लस आपको एक 5G सिम कार्ड मुझे फ्री में गिफ्ट मिला है। ये मेरा बिल है, मैंने चाइना से बाय किया था, तो 2299 की कॉस्ट है और ऑलमोस्ट ये पड़ जाता है आपको 26,000 का अगर हम चाइनीज़ प्राइस लें। अगर आप इम्पोर्ट कराते हो तो आपको 30,000 प्लस पड़ जाएगा। छोटा सा स्लीक सा बॉक्स है जो ओपन होने में काफ़ी कशमोकश हमें करनी पड़ी और फाइनली हमने इसके बॉक्स की अनबॉक्सिंग कर दी है। तो पहले आपको एक मिलेगा छोटा सा डब्बा जहाँ Xiaomi लिखा है। इसको खोल के देखेंगे तो सिम इजेक्टर टूल, एक हल्का सा छोटा सा इंस्ट्रक्शन मैनुअल है और एक नए तरह का 3.5mm ऑडियो जैक का पाउच, पुड़िया सी है, इसमें आपको ये ऑडियो जैक मिलता है। तो मेरे हिसाब से नॉट बैड, सिलिकॉन का कवर है और कवर मुझे सिंपल सा लगा, बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी नहीं लगी। तो निकालते हैं फ़ोन को और देखते हैं कैसा है ये फ़ोन। तो फ़ोन की लुक काफ़ी कमाल की है, बहुत लाइट वेटेड ये फ़ोन है। आपको फील होगा जैसे ओप्पो या वीवो का फ़ोन हाथ में लेके बैठे हो। 6 कलर्स में चाइना में लॉन्च हुआ था और मुझे पहली सेल में सिर्फ ये वाला कलर मिला, तो मैंने फटाफट वो ले लिया। Mi 11 X Pro जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ उससे थोड़ा मुझे ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। ग्लास बैक के साथ आता है, कॉर्निंग ग्रिला 6 की प्रोटेक्शन मिलती है, IP53 रेटिंग है इस फ़ोन में, जो मतलब डस्ट और स्प्लैश प्रोटेक्शन। 160 ग्राम का ये फ़ोन है, तो बहुत ही लाइट वेटेड। कंपनी ने 159 ग्राम्स का कहा था, तो मेरे हिसाब से काफ़ी लाइट है, होगा आपको बहुत पसंद आएगा। ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है और ग्लास बैक काफ़ी ग्लॉसी। तो राइट साइड में आपको वॉल्यूम की और पावर ऑन बटन जिसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। टॉप पे आपको आईयर ब्लास्टर और नॉइस कैंसलेशन, ये Xiaomi हर बार देता है आईयर ब्लास्टर, रियली लाइक दिस वन। और थिकनेस की बात की, जो 6.8mm थिकनेस है, तो बहुत ही स्लीक फ़ोन है। बॉटम में सिम ट्रे, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और स्टीरियो स्पीकर मिलता है। सिम ट्रे भी इस पर काफ़ी खास है, इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा, मतलब एक नैनो सिम या 2 नैनो सिम या 1 नैनो सिम के साथ SD कार्ड की ऑप्शन मिलती है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। काफ़ी देर बाद मैं देख रहा हूँ जिसमें SD कार्ड स्लॉट हो, मोस्टली आजकल बंद ही कर दी हैं। तो फ़ोन को ऑन करते हैं और देखते हैं। 6.55 इंच का ये फ़ोन है, एमोलेड पैनल आता है जो लोगों को काफ़ी बढ़िया लगेगा। रिफ्रेश रेट 90Hz सपोर्ट करता है, HDR10 का सपोर्ट है, 1080x2400 का स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो है, तो काफ़ी बढ़िया है। IP53 अप्रूव है, डस्ट और स्प्रिंकल। ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है, मगर अगर इन डिस्प्ले देते तो काफ़ी बढ़िया हो जाता। तो यहाँ हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया है। जो इसका कैमरा है पंच होल, सिंगल पंच होल, वो थोड़ा मुझे बड़ा लगा। ब्रिजल्स ठीक हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, मगर ब्रिजल्स दिखेंगे आपको, मगर ठीक है, लुक बढ़िया, बस थोड़ा सा कैमरा छोटा बनाते तो काफ़ी बढ़िया होता। तो हम पहले पढ़ लेते हैं। तो मेरा अपडेट आया हुआ है MIUI 12.07, मेरे को लगा शायद 12.5 आ गया होगा। ये 8GB रैम के साथ आता है और क्या है, 4250mAh की बैटरी थोड़ी मुझे कम लगी इस टाइम। एंड्रॉयड वर्जन 11, ये चीज़ बढ़िया है। स्नैपड्रैगन 780G वाला प्रोसेसर दिया गया, जो काफ़ी बढ़िया है। तो हम डार्क मोड ऑन करके देखते हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और इसमें 60Hz एंड 90Hz रिफ्रेश रेट, 90Hz रिफ्रेश रेट भी काफ़ी बढ़िया होता है, मेरे हिसाब से इनफ होता है 120Hz के साथ। फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छा काम करता है, बहुत ही स्मूथ है। तो बेंचमार्क ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या स्कोर आता है। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे हमारा N22। तो डिस्प्ले मुझे बढ़िया लगी, एमोलेड पैनल दिया गया है और ब्रिजल्स भी ठीक ठाक हैं। फ्लैट स्क्रीन दी गई है, इसमें कर्व हो जाता तो कमाल हो जाता। पंच होल थोड़ा बढ़िया है। फ़ोन के प्रोसेसर की बात कीजिए तो स्नैपड्रैगन 780G है और ये 5nm चिपसेट है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया काम करेगा। स्कोर आया है 5,33,000, जो नॉट बैड, ठीक है स्कोर। बाकी हम कंपैरिजन करेंगे इस रेंज के फ़ोन्स के साथ, आप भी रिकमेंड कर सकते हो अगर आप कोई कंपैरिजन चाहते हो। स्नैपड्रैगन 870, मीडियाटेक 1100, मीडियाटेक 1200,
1200 मीडिया डेक 1000 प्लस के साथ। Geekbench 5 ट्राई करते हैं सीपीयू बेंचमार्क से और देखते हैं सिंगल कोर का क्या स्कोर आता है, 805 और मल्टी कोर 2830, तो काफ़ी इंप्रेसिव स्कोर्स लगे मुझे। लास्ट में हम देखते हैं सीपीयू थ्रॉटलिंग, स्नैपड्रैगन 888 में आपको बहुत थ्रॉटलिंग दिखी थी, मगर हम मैं देखना चाहता हूँ इस प्रोसेसर में थ्रॉटलिंग है या नहीं। जैसे स्नैपड्रैगन को इस चीज़ में काम करना चाहिए कि भाई यार मीडिया टेक बहुत फ़ायदा उठा रहा है आजकल, मगर अगर ये काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली मीडिया टेक मार्केट गेन कर लेगा। आपके क्या सुझाव है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि स्नैपड्रैगन 888 में ऑलमोस्ट हर फोन में थ्रॉटलिंग मिली है एक्सेप्ट सैमसंग S21 स्नैपड्रैगन वर्जन में, मुझे तो मिली है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी बहुत ज़्यादा थ्रॉटलिंग आया, 68%, वाओ। तो भाई क्वालकॉम को इस चीज़ में काम करना चाहिए। अब बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरे की, तो ट्रिपल रियर कैमरा है मी 11 की तरह, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा PDF के साथ, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। जो फ्रंट कैमरा दिया गया है वो है 20 मेगापिक्सल का, तो यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर मिल जाता है। साथ में आपको 4K रिकॉर्डिंग की ऑप्शन मिलती है 30 FPS के साथ, मतलब इसमें आपको 8K रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। साथ में फ्रंट में 1080p 60 FPS मिल जाती है, बाकी काफ़ी मोड्स मिलते हैं। कुछ मैंने पिक्चर्स ली थी, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, तो पिक्चर्स ठीक आई हैं। बाकी अगर आप रिव्यू चाहते हो या कंपैरिजन चाहते हो आप मुझे बता सकते हो, लो लाइट में मुझे इतनी इंप्रेसिव नहीं लगी, बाकी आप देख सकते हैं। और आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वैसे Xiaomi को नाइट मोड्स में काफ़ी काम करने की अभी ज़रूरत है, और ये पिक्चर मुझे ठीक लगी थी। फ्रंट कैमरे से भी मैंने 2 पिक्चर्स ली थी, एक पोर्ट्रेट मोड एक नॉर्मल मोड, वो मुझे ठीक लगा। ब्यूटी मोड दिया गया है, 20 मेगापिक्सल का कैमरा है, और पोर्ट्रेट शॉट भी मुझे काफ़ी ठीक लगा। अब हम खेलते हैं पबजी और ट्राई देखते हैं इसके ग्राफिक्स, स्नैपड्रैगन 780G स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा वो हमें आगे पता चलेगा। और वीडियो बढ़िया लग रही हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आपको स्मूथ प्लस एक्सट्रीम की ऑप्शन मिलती है जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, मगर बाकी में आपको अल्ट्रा तक की ऑप्शन मिलेगी, अल्ट्रा HDR की इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलती। ठीक है, मिड रेंज प्रोसेसर है तो इतना ठीक है। एक छोटा सा मैच भी लगा लेते हैं और देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। बाकी अगर आप पबजी चाहते हो स्नैपड्रैगन 780G में तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, वो भी हम जल्दी ला देंगे। तो यहाँ पर गोलियाँ बननी शुरू हो चुकी हैं और हम अपनी UZI लेके घूम रहे हैं, कोई बंदा नहीं दिखा मुझे अभी तक, और 2-3 की रेशो चल रही है और ये हमने गोली मार के किल ले ली बड़े आराम से। तो हम आगे चलते हैं, तो आज देखते हैं हम कितने लोगों की ले पाते हैं किल। और भागते हुए कोई नहीं मुझे दिख रहा, ये कहाँ से, ये लैग बहुत तगड़ा था, लगता है पिंग मेरा बहुत ज़्यादा होगा, ये आजकल बड़ा पंग है। होपफुली आफ्टर June 10 जब पबजी आ जाएगी तो पिंग सुधर जाए और ये लैग्स ख़त्म हो जाए। बाकी हल्का मोटा मुझे लैग मिला गेम में, मैं नहीं कहूँगा नहीं मिला, मगर था, मगर नॉट बैड, ठीक लगा मुझे। बाकी AMOLED पैनल है, 90Hz का रिफ्रेश रेट, तो मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों को पसंद आएगा फ़ोन, लाइट वेटेड भी है और मुझे हीटिंग इशू अभी तक नहीं मिला इस फ़ोन में, काफ़ी देर हो गई यूज़ करते को, बस हल्की बड़ी लैग मिल रही है, वो पिंग ज़्यादा होने के कारण भी मिल सकता है। यहाँ पर हम बहुत बुरी तरह बचे शहीद होते होते, और एक किल भी मिल गई, किसी और की किल ले ली हमने। तो ये बंदे कहाँ भाग रहा है भाई, कहाँ भाग रहा है, वाओ एक और किल, यहाँ फिर से हम बचे। अरे वाह, तो काफ़ी बढ़िया मैच चल रहा है, बस किल पे किल मिल रही है यार हमें, वाओ एक और किल। तो ठीक लगा मुझे फ़ोन, लाइट वेटेड फ़ोन जिनको ज़्यादा पसंद है उनके लिए काफ़ी बढ़िया फ़ोन आप कह सकते हैं। तो परफॉर्मेंस नॉट बैड, अच्छी रही परफॉर्मेंस, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। ओवरऑल फ़ोन की बात की जाए तो मुझे इसकी बैटरी थोड़ी कम लगी, इसमें मिलती है 4250 mAh की बैटरी और 33W का चार्जर, तो ये एक थोड़ा इशू है। 3.5mm ऑडियो जैक भी नहीं मिलता, बाकी फ़ोन मुझे ओवरऑल पसंद आया। देखते हैं ये ग्लोबली तो आ गया है, इंडिया में कब तक आता है। बाकी आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।